Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. Lots of guys, जो न्यू ड्राइवर होता है, बिगिनर होते हैं, कार चलाना सीख रहे होते हैं, उनके माइंड में कंफ्यूजन होता है जब भी वो अपनी कार ड्राइव कर रहे होते हैं कि सबसे पहले वो अपनी कार का क्लच यूज करे या ब्रेक यूज करे। तो गाइस आज की वीडियो में आपसे चार कंडीशन शेयर करने वाला हूँ, उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि किस किस कंडीशन के अंदर आपको पहले क्लच यूज करना है एंड किस कंडीशन के अंदर आपको ब्रेक यूज करना है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इस चैनल पे ऑटोमेटेड वीडियो, डीआई टाइप की मोटिवेशन वीडियो एंड बाइक से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। गाइस फिलहाल अभी मैं आ चुका हूँ परफेक्ट लोकेशन पे, यहाँ पे आपको लाइव डेमो को दिखाऊंगा एंड यहाँ पे आपको मैं चार कंडीशन के बारे में बताऊंगा कि आपको चार कंडीशन के अंदर कैसे कैसे आपको अपनी कार का क्लच एंड ब्रेक यूज करना है। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन के बारे में। तो गाइस फर्स्ट कंडीशन के अंदर आपको सबसे पहले अपनी कार का क्लच यूज करना है, उसके बाद आपको ब्रेक यूज करना है। एंड गाइस अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। तो गाइस सेकंड कंडीशन के अंदर आपको अपनी कार का जो क्लच है एंड ब्रेक है वो एक साथ यूज करना है। एंड गाइस अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। तो गाइस थर्ड कंडीशन के अंदर आपको पहले अपनी कार का ब्रेक यूज करना है, उसके बाद आपको अपनी कार का क्लच यूज करना है। एंड गाइस अब बात करते हैं फोर्थ कंडीशन की। तो गाइस फोर्थ कंडीशन के अंदर आपको अपनी कार का सिर्फ ब्रेक यूज करना है एंड आपको एक्सीलेटर देके आप वापस से आपको अपनी कार की जो स्पीड है वो बूस्ट अप करनी है। तो गाइस अभी मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाता हूं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी आप अपनी कार ड्राइव कर रहे होते हो लोअर्स गियर के अंदर और ऐसे में बिना क्लच यूज करके आप अपनी कार का ब्रेक यूज कर लेते हो तो आपकी कार झटके खा के बंद क्यों हो जाती है। तो गाइस सपोज करो मेरी कार चल रही है फोर्थ गियर में एंड फोर्थ गियर के अकॉर्डिंग मेरी कार की जो स्पीड है वो नीचे है 40 से 50 के अप्रोक्स। तो गाइस ये मेरी कार का जो फोर्थ गियर है उसकी हो गई टॉप स्पीड। ऐसे में गाइस अगर मैं मेरी कार ले आऊंगा 30 से 40 के अप्रोक्स, मतलब फोर्थ गियर की जो लोअर स्पीड है उसके अंदर ले आऊंगा और ऐसे में मेरी कार का ब्रेक यूज करूंगा तो कहीं ना कहीं गाइस जो कार का इंजन है उसको काफी स्ट्रगल होगा और मेरी कार झटके खा के बंद हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में गाइस आपको हमेशा क्लच यूज करना है ताकि आपका कार का जो इंजन है एंड कार के जो व्हील्स है उनके अंदर जो कनेक्शन है वो कट हो जाए और जो इंजन है वो पावर प्रोड्यूस करना बंद कर दे व्हील्स को। तो इसलिए गाइस आपको हमेशा क्लच यूज करने की जरूरत पड़ती है। तो गाइस अभी मैं आपको फर्स्ट कंडीशन का लाइव डेमो करके दिखाता हूं। एंड गाइस ये कंडीशन फर्स्ट कंडीशन आपके सामने तभी आती है जब आप अपनी कार लोअर गियर के अंदर ड्राइव कर रहे हो, फर्स्ट या सेकंड गियर के अंदर, या किसी बंपर टू बंपर ट्रैफिक के अंदर चल रहे हो। तो गाइस मैं क्या करता हूं अपनी कर लेता हूं कार स्टार्ट एंड क्लच दबा के मैं मेरी कार का जो फर्स्ट गियर है वो डाल देता हूं। तो गाइस अभी मैं फर्स्ट गियर के अंदर ड्राइव कर रहा हूं अपनी कार। तो गाइस अभी सपोज करो मेरे सामने काफी ज्यादा ट्रैफिक है एंड मेरी कार बंपर टू बंपर ट्रैफिक में चल रही है एंड मेरी कार फर्स्ट गियर में चल रही है अभी फिलहाल। तो ऐसे में मैं बार बार अपनी कार को स्टॉप करना है, बार बार अपनी कार को वापस से पिक करना है। तो गाइस क्या करना है, जब भी आपको अपनी कार स्टॉप करनी है तो सबसे पहले आपको क्लच यूज करना है, उसके बाद ब्रेक एंड वापस से आपको यहीं से अपनी कार पिक करनी है। तो धीरे धीरे क्लच रिलीज करके फिर से आपको अपनी कार मूव करनी है। एंड गाइस फर्स्ट गियर के अंदर, सेकंड गियर के अंदर एंड रिवर्स गियर के अंदर इतनी पावर होती है कि आपको बिना एक्सीलेटर के भी आपकी कार इजीली मूव कर रही होती है। तो गाइस अभी आप चेक करो मैंने अपनी कार का एक्सीलेटर बिल्कुल भी यूज नहीं कर रखा और मेरी कार मूव कर रही है फर्स्ट गियर में धीरे धीरे। तो गाइस ये कंडीशन बन जाती है जब भी आप अपनी कार बंपर टू बंपर ट्रैफिक में चला रहे होते हो और आपकी कार ज्यादा ज्यादा फर्स्ट गियर में ड्रीवन कर पाते हो या सेकंड गियर में और वापस से आपको अपनी कार स्टॉप करनी होती है फिर वापस से स्टार्ट करनी होती है। तो गाइस आपके सामने बंपर टू बंपर ट्रैफिक के अंदर ऐसी कंडीशन बन जाती है। तो गाइस इसलिए आपको फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले क्लच यूज करना है एंड उसके बाद ब्रेक यूज करना है। तो गाइस अभी आप चेक करो मेरी कार है सेकंड गियर के अंदर एंड मैं मेरी कार का बिल्कुल भी एक्सीलेटर यूज नहीं कर रहा और मेरी कार ऑटोमेटिक ड्रीवन कर रही है। तो गाइस फर्स्ट, सेकंड एंड रिवर्स गियर में के अंदर इतनी पावर होती है कि आपकी कार बिना एक्सीलेटर के मूव करती है। और गाइस अभी जो मेरी कार ड्रीवन कर रही है जो सेकंड गियर है, सेकंड गियर की जो लोअर स्पीड है उसके अंदर ड्रीवन कर रही है और जो सेकंड गियर की जो टॉप स्पीड होती है वो होती है 20 और 30 के अप्रोक्स। बाकी मेरी कार के जो सेकंड गियर है उसकी जो लोअर स्पीड है वो 10 के आसपास है। और ऐसे में अगर मैं कार का सबसे पहले ब्रेक यूज करूंगा तो मेरी कार झटके खा के बंद हो जाएगी। तो इसलिए गाइस जैसे ही आपको अपनी कार स्टॉप करनी है तो सबसे पहले आपको अपनी कार का जो क्लच है वो यूज करके आपको अपनी कार का ब्रेक यूज करना है। इस तरीके से गाइस पहले आपको क्लच यूज करना है उसके बाद ब्रेक, इस तरीके से आपको अपनी कार स्टॉप कर लेनी है। तो गाइस सपोज करो वापस से आपके सामने ट्रैफिक आ गया, आपने अपनी कार स्टॉप कर ली और वापस से आपको अपनी कार पिक करनी है तो आपने अपनी कार डाल दी फर्स्ट गियर में एंड धीरे धीरे क्लच रिलीज करके आपने अपनी कार पिक कर ली वापस से इस तरीके से और हल्का हल्का एक्सीलेटर देके आप अपनी कार आगे बढ़ा रहे हो बंपर टू बंपर ट्रैफिक में। आपको वापस से रुकना है, आपने क्लच दबाई फिर ब्रेक दबा के अपनी कार स्टॉप कर ली, फिर वापस से आपको आगे बढ़ना है, क्लच रिलीज करी, थोड़ा सा एक्सीलेटर दिया, अपनी कार मूव कर ली, वापस से आपको अपनी कार स्टॉप करनी है, क्लच दबाया फिर वापस से ब्रेक, आपने कार स्टॉप कर ली। तो इस तरीके से गाइस आपको फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले क्लच यूज करना है, उसके बाद आपको ब्रेक यूज करना है अगर आपकी कार लोअर गियर के अंदर ड्रिवन हो रही हो फर्स्ट या सेकंड गियर के अंदर। तो गाइस अभी लेते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के अंदर गाइस आपको क्या करना है, अपनी कार का जो क्लच है एंड ब्रेक है वो दोनों एक साथ यूज करना है।
तो गाइस सपोज करो मेरी कार 20 से 30 के स्पीड के अंदर ड्रिवन है, मतलब सेकंड या थर्ड गियर के अंदर चल रही है, और ऐसे में आपके सामने अचानक कोई ऑब्स्टिकल आ जाए, कोई एनिमल सामने आ जाए आपकी कार के, या कोई बच्चा आ जाए, तो ऐसे में आपको अपनी कार का जो क्लच है एंड ब्रेक है वो दोनों एक साथ यूज करना है। एंड गाइस आपका मेन फोकस आपको अपनी कार स्टॉप करने में होना चाहिए, ना कि आपका ये फोकस होना चाहिए कि आपकी कार बंद ना हो जाए, क्योंकि अगर आपका फोकस इस पे रहेगा कि आपकी कार बंद ना हो जाए तो ऐसे में आपकी कार इतने में सामने जो भी ऑब्स्टेकल है कोई भी एनिमल है उससे हिट हो जाएगी। तो गाइस आपका जो मेन फोकस है उस पे रहना चाहिए कि आपकी कैसे ना कैसे आपकी कार स्टॉप हो जाए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको अपनी कार का जो क्लच है एंड ब्रेक है वो दोनों एक साथ यूज करना है। एंड गाइस अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन के बारे में। तो गाइस थर्ड कंडीशन के अंदर आपको अपनी कार का पहले ब्रेक यूज करना है, उसके बाद क्लच यूज करना है। तो गाइस सपोज करो आपकी कार अभी चल रही है थर्ड गियर के अंदर या फोर्थ गियर के अंदर या फिफ्थ गियर के अंदर, एंड सामने अचानक मेरे सामने कोई ब्रेकर आ गया या कोई भी ऑब्स्टिकल आ गया या फिर आपको अपनी कार स्टॉप करनी है, तो ऐसे में आपकी कार हाई गियर के अंदर चल रही है थर्ड फोर्थ फिफ्थ में, तो ऐसे में सबसे पहले आपको अपनी कार का ब्रेक यूज करके आपको अपनी कार की स्पीड कम करनी है। तो गाइस मेरी कार की स्पीड है वो आ चुकी है 20 के अप्रोक्स, मतलब सेकंड गियर के अप्रोक्स, तो ऐसे में उसके बाद आपको क्लच यूज करनी है। वापस चेक करो अभी मेरे सामने एक ब्रेकर आने वाला है वहां पे, और ऐसे में मेरी कार है वो फोर्थ गियर में है, तो सबसे पहले मेरी कार का ब्रेक यूज करूंगा। ब्रेक यूज करने के बाद जैसे ही मेरी कार की स्पीड लोअर गियर के अकॉर्डिंग पहुंच जाएगी, मतलब सेकंड के अप्रोक्स पहुंच जाएगी या फर्स्ट के अप्रोक्स, तो उसके बाद क्लच दबा के मैं मेरी कार का जो गियर है सेकंड गियर डाल लूंगा इस तरीके से। गाइस ऐसी कंडीशन में आपको पहले ब्रेक यूज करके आपको अपनी कार की जो स्पीड है वो कम करनी है। जैसे आपकी कार लोअर गियर्स है उनकी स्पीड के अप्रोक्स पहुंच जाए, तो ऐसे में आपको अपनी कार का जो क्लच है वो यूज करके आपको अपनी कार के जो गियर है वो शिफ्ट कर लेना है। गाइस अभी मेरी कार है फोर्थ गियर में एंड मेरी कार की जो स्पीड है वो पहुंच चुकी है 60 के अप्रोक्स, तो ऐसे में गाइस मेरे को मेरी कार स्टॉप करनी है। तो गाइस सबसे पहले क्या करूंगा, जो मेरी कार का ब्रेक है वो यूज करूंगा, और जैसे ही मेरी कार की जो स्पीड है वो धीरे धीरे डाउन होती जाएगी और मेरी कार का जो फोर्थ गियर है जो उसकी लोअर स्पीड है 30 या 40 के अप्रोक्स, उसके पास पहुंचते ही मेरी कार का जो क्लच है मैं वो प्रेस कर लूंगा और प्रेस करके और ब्रेक यूज करके मेरी कार स्टॉप कर लूंगा इस तरीके से। तो इस तरीके से गाइस आपको थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रेक यूज करना है एंड उसके बाद आपको क्लच यूज करना है। एंड गाइस अब बात करते हैं फोर्थ कंडीशन की। तो गाइस फोर्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको अपनी कार का सिर्फ ब्रेक यूज करके आपको अपनी कार का जो स्पीड है वो कम करना है एंड वापस से आपको अपनी कार की जो स्पीड है वो एक्सीलेटर यूज करके बूस्ट अप करनी है। तो गाइस अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। तो गाइस सपोज करो मेरी कार चल रही है हाई स्पीड के अंदर, और ऐसे में आपके सामने अचानक से कोई ऑब्स्टिकल आता है और वो निकल जाता है, तो ऐसे में आपको सिर्फ अपनी कार की जो स्पीड है वो ब्रेक लगा के डाउन करनी है एंड जैसे ही ऑब्स्टिकल आपके सामने से निकल जाए वापस से आपको अपनी कार का जो एक्सीलेटर है वो यूज करके आपको अपनी कार की जो स्पीड है वो बूस्ट अप कर लेनी है। तो गाइस सपोज करो मेरे सामने कोई ऑब्स्टिकल आ गया, तो मैंने सिर्फ ब्रेक यूज करा, ऑब्स्टिकल निकल गया, मैंने वापस से एक्सीलेटर यूज करके मेरी कार की जो स्पीड है वापस से बूस्ट अप कर ली। तो इस तरीके से गाइस आपको फोर्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको अपनी कार का सिर्फ ब्रेक यूज करना है। चेक करना मेरे सामने ये एनिमल आ गया, तो ऐसे में मेरी कार चल रही थी थर्ड गियर में, तो तुरंत मैंने अपनी कार का जो क्लच है एंड ब्रेक है दोनों एक साथ दबाए और मेरी कार स्टॉप कर ली। तो इसलिए गाइस आपको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको अपनी कार का जो क्लच है एंड ब्रेक है वो यूज करना है। तो गाइस आपको सीधा सा फंडा ध्यान रखना है, जब भी आपकी कार लोअर गियर्स के अंदर चल रही है फर्स्ट या सेकंड गियर के अंदर, तो ऐसे में आपको अपनी कार का जो है पहले क्लच यूज करना है, एंड अगर आपकी कार हाई गियर्स के अंदर चल रही है थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो ऐसे में आपको सबसे पहले अपनी कार का ब्रेक यूज करना है उसके बाद क्लच। तो गाइस अभी मेरी कार चल रही है फोर्थ गियर में और अभी सामने ब्रेकर आने वाला है, तो ऐसे में क्या करूंगा, मेरे को ब्रेकर नोटिस हो गया, तो सबसे पहले एक्सीलेटर छोड़ के जो मेरा फुट है वो ब्रेक पे आ गया और धीरे धीरे ब्रेक में यूज करते हुए मेरी कार ब्रेकर तक जैसे ही पहुंची और जो स्पीड है उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी कार का जो गियर है वो शिफ्ट कर लिया क्लच दबा के। तो मेरी कार है वो 20 के अप्रोक्स पहुंच चुकी थी, मतलब सेकंड गियर के अकॉर्डिंग, तो मैंने सेकंड गियर डाल के अपनी कार वापस से पिक कर ली। तो इस तरीके से गाइस आपको ध्यान रखना है और ऐसी अलग अलग कंडीशन में आपको क्लच और ब्रेक यूज करना है। तो गाइस मैंने वापस अपनी कार फोर्थ गियर के अकॉर्डिंग ड्राइविंग कर रहा हूं और वापस से ब्रेकर आ गया, तो वापस से एक्सीलेटर पैर हटा के ब्रेक पे गया और ब्रेक यूज करते करते कार की स्पीड डाउन हो चुकी है और क्लच यूज कर लिया हमने। क्लच यूज करने के बाद जैसे ही मेरी कार की स्पीड लोअर गियर के अकॉर्डिंग गई तो सेकंड गियर में डाल के मेरी कार पिक कर ली इस तरीके से गाइस। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इस चैनल पे ऑटोमेटेड वीडियो डीआईवाई टाइप की मॉडिफिकेशन वीडियो एंड बाइक से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।